नमस्कार, मैं आज आपका लॉकडाउन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमारा अंग्रेजी का टॉपिक आगे बढ़ाते हुए मैं आज हमारे पास्ट टेंस में आगे बात करूंगा। अपना चल रहा है अभी पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में चल रहा है हमारा आज होगा जो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए अब तक हमने इतने टेंस पढ़े। अभी मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद आपको अभी तक टेंस का अच्छा नॉलेज होगा, तो यदि उन टेंसों का आपका अच्छा नॉलेज है आपको, तो इस टेंस में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए अब हम इतना ज्यादा वो किसी टेंस को इतना टाइम देंगे नहीं, वैसे तो हम धीरे धीरे कर रहे हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बस बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए, इसके आगे हम किसी भी सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए इसकी पहचान, पहला काम तो यही करते हैं हम सभी कि सबसे पहले देखते हैं हम पहचान क्या है हमारी। तो देखिए इसके अंदर हमारी पहचान होती है कि जो हमारे पास में हिंदी वाक्य होते हैं उनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि, ठीक है। यह है अपनी पहचान की हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, हमारा रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार से आते हैं। आपको पता होगा कि हमारा जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था उसमें भी सेम यही उसकी पहचान थी, और इसी प्रकार से जो हमारा प्रेजेंट था उसमें भी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसी की तरह होती है। तो उसी प्रकार से इसमें भी यही है कि जो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी पहचान किसकी तरह है, पास्ट कंटिन्यूअस की तरह ही है, ठीक है। अब देखिए जब मैंने आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये टेंस हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस का है या फिर कंटिन्यूअस का है, क्योंकि पहचान तो दोनों में सेम होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा उसमें ये जो हमें दे रखा है, जो ये हमें पहचान है, इसके साथ के साथ हमें जो हमारा वाक्य होगा उसमें समय सूचक शब्द भी मिलेगा, ठीक है। उसमें हमें क्या मिलेगा, समय सूचक शब्द भी मिलेगा, और इस समय सूचक शब्द की सहायता से हम पता लगाएंगे कि हमारा जो वाक्य है वो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस है या फिर केवल कंटिन्यूअस है, ठीक है। इसके माध्यम से हमें पता चलेगा यदि किसी वाक्य के अंदर ये समय सूचक शब्द अवेलेबल है या फिर मतलब कि है, तो ये तो कौन सा टेंस हो जाएगा, हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और यदि उसमें ये पहचान तो हो रही है लेकिन यदि उसमें कोई समय सूचक शब्द नहीं है, जैसे कि शाम से, दो घंटे से, कल से, दिन कब, मतलब कोई समय सूचक शब्द नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब देखिए ये तो हुई अपनी सिंपल पहचान, अब मैं बात करता हूं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हमारे पास में, इसके हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड बीन, हैड बीन इसके हेल्पिंग वर्ब है। इसमें क्या यही एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए कोई झंझट नहीं है, कोई मातापची नहीं है कि किसका कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज हम कहां करेंगे, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो हम हर जगह हैड बीन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, और इसका यूज हम हर जगह करेंगे, हर सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का यूज ही होगा, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट के साथ हमारा किसका यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन का यूज होगा, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं हम सेंटेंस ट्रांसलेशन की। तो देखिए आगे बढ़ते हुए मैं जारी रखता हूं, जैसे कि सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में कोई सेंटेंस है, जैसे जैसे कि मैं दो दिन से पढ़ रहा था, मैं दो दिन से पढ़ रहा था। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास में रहा था आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ में दो दिन से, ठीक है, ये समय सूचक भी शब्द आ रहा है, मतलब वो टाइम के बारे में बता रहा है, टाइम पीरियड के बारे में। तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, ये अपना टेंस हो गया
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो देखिए ट्रांसलेट करते हैं अब। तो ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, बाकी जो स्ट्रक्चर थी हमारी उसी प्रकार से होगा। सबसे आएगा अपना सब्जेक्ट सबसे पहले, तो मेकी इंग्लिश आई, उसके बाद में आएगी अपनी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हर जगह हमें काम में लेनी है, हैड बीन। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल में थी उसी प्रकार से इसमें होगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सॉरी, उसी प्रकार से इसमें होगी आई हैड बीन। फिर पढ़ना की रीड, और इसके साथ ही आई एन जी। फिर मैंने आपको जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था उसमें मैंने आपको बताया था हम यूज करते हैं सिंस और फॉर का। फॉर का यूज करते हैं हम जो हमारे पास में कोई गणना योग्य टाइम होता है उसके अंदर, जैसे कि 2 घंटे से, ठीक है, 2 दिन से या 4 दिन से, कुछ भी हो, मतलब कि जिसका हमें फिक्स टाइम पता हो कि इतने टाइम से ये काम हो रहा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं किसका, फॉर का। बाकी सिंस का यूज करते हैं जिसमें हमें टाइम का फिक्स पता नहीं होता, टाइम पीरियड का, जैसे कि सुबह से, शाम से, कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर हम किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। बाकी जगह हम किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे सेंटेंस, आई हैड बीन रीडिंग। अब देखिए टाइम देखना है हमें, हमारा टाइम 2 दिन से फिक्स टाइम है, तो फिक्स टाइम के लिए हम यूज में लेते हैं क्या, फॉर, तो ये फॉर हो गया। ठीक है, और फिर फॉर 2 डेज। ठीक है, इस प्रकार से अपना सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। ठीक है, अब देखिए यदि आपको फिर ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसकी स्ट्रक्चर लिख देता हूं एक बार। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले आएगा अपना सब्जेक्ट, फिर आएगी अपनी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी अपनी मेन वर्ब या वर्ब की वो भी फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ में यूज होगा आईएनजी का। ठीक है, उसके बाद में आएगा अपना ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अपना सिंस या फॉर जो टाइम सूचक शब्द है। ठीक है, सिंस या फॉर प्लस, फिर आ जाएगा अपना टाइम। ठीक है, इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर होगी अपनी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, और उसके बाद में आएगा अपना टाइम। ओके, अब देखिए ये तो हुई अपनी एफर्मेटिव सेंटेंस की बात, ये एकदम सिंपल सेंटेंस था, तो ये हो गया अपना एफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे कि हम इतने दिन बनाते आ रहे हैं कि एफर्मेटिव को इंग्लिश नेगेटिव ट्रांसलेट कैसे करते हैं, तो उसी प्रकार से हम इस टेंस में भी यही काम करेंगे, जैसे कि हमने प्रेजेंट, आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी पढ़ा था, उसी प्रकार से हम इसमें भी जो हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है उसको हम ये एफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं अपना नेगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेशन करने के लिए क्या बताया था, जैसे कि मान लीजिए मेरे को एफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है या फिर हमें एफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य पता है, तो हम उसे नेगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम उसे नेगेटिव में चेंज करने के लिए करते हैं कि हमारे पास में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद में, जस्ट बाद में हम किसका यूज करते हैं, नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर में देखिए सबसे पहले आएगा अपना सब्जेक्ट, फिर आएगा हेड, ठीक है, स्मॉल लेटर में आएगा हेड। फिर ध्यान ये रखना है कि इसमें कि हेड के बाद में हेड बीन होता है, उसमें हेड के बाद में नॉट लगाना है और बीन उसके बाद में रखना है। ठीक है, उसके बाद में आएगा अपनी मेन वर्ब आ जाएगी और उसमें आईएनजी लगाना है, फिर आ जाएगा अपना ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस या फॉर, और उसके बाद अपना टाइम, और ये फुल स्टॉप। ओके, तो ये है अपनी कौन सी टेंस की सेंटेंस की, जो हमारे पास में नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसकी स्ट्रक्चर है ये, सब्जेक्ट हेड प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब में आईएनजी, और ऑब्जेक्ट्स फॉर सिंस या फॉर और फिर टाइम। ठीक है, तो देखिए आपको जैसे सेंटेंस लेते हैं हम, जैसे कोई भी सेंटेंस है, जैसे कि राम शाम से काम नहीं कर रहा था
ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले अपना सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सबसे पहले अपना सब्जेक्ट आएगा राम, फिर हैड। अब नेगेटिव है तो इसमें हम यूज करेंगे नोट का भी, तो हैड नोट, फिर बीन, फिर वर्ब। वर्ब मतलब काम क्या हो रहा है, तो ये है कि काम कर रहा है, ठीक है। तो करना की डू और वर्क, वर्क यानी काम, ठीक है। तो डूइंग, फिर काम की वर्क। टाइम देखिए शाम से, ठीक है। तो शाम से आपको पता है कि इसमें हमें कोई फिक्स टाइम पता नहीं है कि शाम से कब से शाम से, मतलब कि कोई पता नहीं है ना कि दो घंटे से चार घंटे से, कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, फॉर या सिंस का, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर सिंस का और इवनिंग, सिंस इवनिंग, ठीक है। इस प्रकार से अपना नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया। अब देखिए नेगेटिव भी हो गया, एफर्मेटिव भी हो गया, अब आ गया इंटरोगेटिव। तो मुझे लगता है कि मुझे इंटरोगेटिव बताने की जरूरत ही नहीं है, वैसे आप चाहते हो तो बता देता हूं। इंटरोगेटिव में देखिए होता क्या है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसे हम क्या कहां, हमें कहां लिखना होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके जस्ट पहले हमें अपनी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। मैंने आपको हर टेंस में यही बात बताई है और हर में सेम चीज चलती है। इंटरोगेटिव की बात करूं मैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करूं, तो देखिए सबसे पहले आएगा अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आएगा क्या पहले? नहीं, सब्जेक्ट नहीं आएगा। क्या आएगा पहले? अपनी हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब भी आधी आएगी, मतलब कि जो हेडबिन होती है हेल्पिंग वर्ब अपनी, उसमें से हमें केवल हेड को पहले लिखना है, उसके बाद में आएगा अपना सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में जो अपना बीन बच गया वो आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आएगा अपना आईएनजी प्लस, फिर आएगा अपना ऑब्जेक्ट, फिर हमें काम में लेना है अपने सिंस या फॉर को, फिर अपना जो टाइम बच गया है वो, और साथ में यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इंटरोगेटिव साइन। ओके, पता रखना है क्यों आएगा ये साइन, इंपॉर्टेंट साइन है ये भी, ठीक है। तो क्योंकि हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक है, इसके इस कारण से हमारे पास में यहाँ पर फुल स्टॉप ना आकर ये जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह होता है ये आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गई अपनी इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। अब देखिए कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखते हैं, क्या तुम बाजार, क्या तुम दो घंटे से नहीं लिख रहे थे या फिर लिख रहे थे, नहीं लिख रहे थे तो इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा ना, ठीक है। रहे थे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, क्या आ गया मतलब अपना इंटरोगेटिव टेंस सेंटेंस हो गया। अब देखिए ट्रांसलेशन करते हैं, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सबसे पहले आएगा हमारा हेड, ये लीजिए हेड, फिर आएगा अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश यू, फिर आएगा बीन, फिर वर्ब, वर्ब वर्ब क्या है यहाँ पर, काम क्या हो रहा है, लिखना, तो लिखना की राइट, उसके साथ आई एन जी राइटिंग, ठीक है। उसके बाद में सिंस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, उसके बाद में हमें कॉमिक्स को लेना है सिंस या फोर को, तो देखिए फिक्स टाइम है यहाँ पर दो घंटे से, तो दो घंटे से फिक्स टाइम है, तो इस यहाँ पर आ जाएगा अपना फोर, फिर कितने टाइम से, दो घंटे से, तो दो घंटे को टू आवर्स, और इंटरोगेटिव साइन, ठीक है। इस प्रकार से अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस भी ट्रांसलेट हो गया। अब देखिए अपना जो लास्ट बच गया वो है अपना इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में करना क्या है हमें, बस करना यह है कि हमारा जो ये स्ट्रक्चर है इसमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद में किसका यूज करना है, नोट का यूज करना है, ठीक है। और बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगी, जैसे मान लीजिए यही हमारे पास सेंटेंस है, क्या तुम दो घंटे से नहीं लिख रहे थे, यहाँ पर मैंने नहीं लिख दिया, ठीक है। तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैड यू, यहाँ पर नॉट और लिखना है बस, ये नॉट, बीन राइटिंग फॉर टू आवर्स, ओके। तो इस प्रकार से अपना जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसके सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि आज आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।